गुल्लक सीजन 3, वेलकम ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि सीजन 2 के गुल्लक से कितने पैसे निकले। बहुत बहुत सारे, इतने पैसे, सारे। इतना इतना पैसे से ज्यादा इतना प्यार निकला है ना कि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकती पैसे से। मतलब बहुत अलग लेवल पे एक प्यार, एक फैन फॉलोइंग, लोग जानने लगे हैं, काम को पहचानने लगे हैं, मुझे पहचानने लगे हैं। आई थिंक हम सबको एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन गुल्लक ने दिया है, तो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। जमील जी, आप क्या कहेंगे? हमारी कुछ बातें भी हो हाँ, रही थी इंटरव्यू स्टार्ट मैं कह करने रहा से था पहले। गुल्लक से जो निकला है ना, वो निकलना बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा है गुल्लक में। इतने जी सारे किस्से, इतने सारी कहानियां हैं उसके अंदर कि आपको कहने के लिए 5 एपिसोड तो हर साल कम पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 5 एपिसोड ही रहें तो वो प्यारा सा, मीठा सा एक एक मजा दे के जाता है, एंड इट लीव्स यू आस्किंग फॉर मोर, तो वो अच्छा है, ये बात वो तो सही है। फोकस्ड। तो वो लेकिन भजन कीर्तन तो किस्सों मुझे अभी भी याद हो रहा की कमी नहीं रहेगी, गुल्लक में से निकलते रहेंगे, मतलब हीरे जवाहरात सब कमाल के। हर्ष, जो गुल्लक का सबसे छोटा बच्चा है, आपको क्या क्या मिला है इस 2 सीजन गुल्लक से? बहुत कुछ मिला, मतलब जैसे वैभव भाई ने कहा कि सबका प्यार, और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा शो मिला जिसका हमें एज एन एक्टर पार्ट होने का मौका मिला, जो बहुत कम बनते हैं। और मिली है गुल्लक से हमें जी, ये। अरे क्या वाह, सही है सही है सही है। ये तो बात चाहिए है, भी, ये तो पूछना चाहिए। भूल गए थे, बोलो ये तो बड़ी बोलो। चीज होती है, जब अवार्ड मिलता है, किसी चीज का इनाम मिलता है आपको, तो वो खुशी एक तरह से दुगनी हो जाती है। ऑडियंस का प्यार तो मिलता जी ही है, साथ में एक अवार्ड भी मिल गया। जी सभी और एक्टर को मिला है, कितनी सुंदर बात है। सभी सभी को, शो को, सब एक्टर्स को जो मेन है, वो कितना मतलब अमेजिंग है। जब सबको अवार्ड मिल रहे थे, लाइक मैं लाइव देख रहा था फोन पे, लाइक वो रिपोर्ट आ रही थी कि सबको फिल्म फेयर मिल रहा है, और इतना बढ़िया था वो कि एक शो हमने इतने छोटे से उससे स्टार्ट किया था, और आज मतलब 5-5 फिल्म फेयर मिलना छोटी बात नहीं है, और बड़े बड़े शोज के बीच में, तो बिल्कुल। इट्स वेरी अमेजिंग। और इस साल जो सीजन 3 आ रहा है उसमें अमन मिश्रा को भी ये मिल जाएगा, और हमारे पास 6 या 8 8 या 9 अवार्ड होंगे इस साल। अरे अरे अरे, अरे हमारे वाह, डायरेक्टर को अरे मिलना वाह। रह रहा है, हमारे राइटर को, और मुझे मिलना रह रहा है। मेरा हो ना हो, लेकिन हमारे टीम को जो जो बहुत डिजर्व करते हैं, हमारे डायरेक्टर, राइटर, हमारे क्रिएटर, इन सबको मिलना चाहिए। बाकी लोगों को तो मिल ही अच्छा। गया, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लोगों का यस। और किसी को दो दो अवार्ड भी मिले। अब मैं अच्छा। तो मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जो जिनको अवार्ड्स मिला है उनको मिला सिर्फ उनकी वजह से नहीं है, ये पूरा एक टीम वर्क है भाई, ये गुल्लक टीम है, जी इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल अवार्ड है वो, बिल्कुल। और किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है उसमें। अगर वो ना होते तो हम ना होते, या कोई भी ना होता, किसी के अवार्ड किसी एक का नहीं है। बिल्कुल, चलो बात करो, तो फिर सही है। भी वो अवार्ड मिले, सर के घर पे दावत खाने का हमें मौका मिलेगा, अभी खाई थी तो फिर हम जाएंगे, कुछ बढ़िया खाना खा के आएंगे, मिलते रहे अवार्ड। सर तभी दावत पे बुलाते हैं जब सर को अवार्ड मिलता है, ये याद रखियो। ये नहीं तो नाइंसाफी है। नहीं नहीं ऐसी नहीं कैसी ऐसा बात, नहीं, हम 2 साल बात से कर रहे बुला हैं, रहे हो, 2 साल से हम सबको। 2 साल से पापा ट्राई कर रहे हैं, और हम लोग की डेट ही वो एक मिक्स एंड मैच होती रहती है, कुछ कभी कोई नहीं नहीं कभी। सब बट इस बार सारे लोग थे और पापा के घर गए हम लोग, हमने मस्त खाना दबा के खाया और खूब सारा प्यार और खूब सारी बातें मिली। बहुत प्यारा, पापा ने बहुत शो में मजा। भी आलू के पराठे बनाए थे आप लोगों के लिए। वहां घर पे कुछ नहीं बनाया था उन्होंने, अच्छा। सब मैम ने बनाया था सब कुछ। पापा वाज जस्ट ईटिंग लाइक जैसे संतोष मिश्रा खाते हैं बैठ के। भाई वो वक्त, वो अभी तुम लोगों का वक्त है, शादी के पहले तक हमने भी बहुत बनाया है, स्ट्रगल के दिनों में बहुत बनाया है। खुद मेरी बीवी अभी तक मुझे ताने देती है कि आपके दोस्त बोलते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आप, लेकिन कभी खिलाया नहीं हाँ यार, पापा खिलाना चाहिए, आप अच्छा बनाते हैं। चाहिए। हाँ, तुम और अच्छा चढ़ाओ ये मेरी बीवी बताइए, को। और मेरी बीबी को वाह। ये सही था, ये सही था। मुझे लगता है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी एक छोटे छोटे गुल्लक बन चुके हैं, जो आप लोग अगर एक साथ इकट्ठा होंगे तो एक नई नई कहानियां
साथ में हम आ सकती है, सीजन जो अभी हमने नाम छोटा सा सीजन देखा। फाइव सीजन फाइव तक पहुंच चुके हैं। अपनी गुल्लक तो हमने सीजन फाइव सिक्स तक बना रखी है। अच्छा अच्छा काफी अच्छी बॉन्डिंग है टच वुड। ओके जमील जी, आप बताइए गुल्लक थ्री में क्या है, क्या नया इस गुल्लक से निकलने वाला है? भाई नया तो भाई किससे ही निकलेंगे नए, और रिश्तों को रिश्तों की समझ बढ़ेगी क्योंकि सब बड़े हो रहे हैं, सब इवॉल्व हो रहे हैं और रिश्ते भी इवॉल्व करते रहते हैं। जाहिर है कहीं कोई एक दरार आती है तो उसको फिर भरने की कोशिश की जाती है एज अ फैमिली और मिलजुल के, तो वही वही कोशिशें हैं जो भी जद्दोजहद एक मिडिल क्लास फैमिली की है उसी उसी जद्दोजहद के लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ और किरदार भी आते हैं और बड़े खूबसूरत किरदार आते हैं और उसको एनरिच करके जाते हैं, और मतलब पूरा डोज है उसमें। जो सीजन टू का जो एक धमाल एक बवाल मचा था ना, वो हाँ। बवाल ये सीजन थ्री में और ज्यादा मिलेगा आपको। और वो मतलब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनके अपने इश्यूज आएंगे, फिर कुछ और चीजें हैं वो आएंगी, तो गुल्लक में तो भरते भरते रहेंगे भाई, अलग अलग किस्से भरते रहेंगे और अलग किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे। तो ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज वॉलेज पास कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड दिखेगी इसमें या नहीं दिखेगी वैभव? अरे है फुल ऑन। फुल ऑन। अरे कुछ नहीं है, मैंने मैंने तो रिक्वेस्ट किया था, मैंने बोला था भाई प्लीज अनु बड़ा हो रहा है, अमन बड़ा हो रहा है, हमारी हमारी गर्लफ्रेंड्स कहाँ है, हमारे हमें क्यों छोड़ रखा, हमें लव ट्रैक दो, हमें एक्टर बनाओ, वी वांट टू रोमांस। Romance, मैं तो ये भी कह रहा था भाई, क्या होता है कि आदमी एक होता नहीं कि रोज तहरी खा के पक जाता है आदमी, तो थोड़ा बहुत आदमी फिसलता भी है ना। मैंने कहा भाई तुम मेरा भी थोड़ा सा कोई एक ट्रैक अलग से डाल दो, कोई आपका आपका ट्रैक है बिट्टू की मम्मी के साथ, चल बे सबली मिनली वो चल रहा है वो राइटर को भी नहीं पता, वो एक नया किरदार आएगा, वो आप इंतजार कीजिए उसका। कि जब संतोष मिश्रा जो है ना अभी तक बहुत क्या कहते हैं ईमानदार और बहुत सीधे साधे बहुत भोले भाले चल रहे हैं, अब इनको कमीना बनाना पड़ेगा थोड़ी। ये ऐसा तो नहीं दुर्गेश भाई हमारे इंटरव्यूज देख के पिछले सीजन के लिखने बैठते हो? हम क्या चाहते हैं आने वाले सीजन में, है ना? वो वही नहीं देना। ओके वैभव आप बताइए आपके कैरेक्टर में क्या नयापन है इस बार? मतलब बताना मतलब भैया कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मन भी है बहुत कुछ बताने का लेकिन बता भी नहीं सकते, लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि पॉइंटर्स बताइए, डिटेल में मत जाइए। यही है कि यार अनु मिश्रा जो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो कभी जॉब कभी है, तो इस बार उसकी जॉब लग गई। तो गीतांजलि जी आपने पार्टी वार्टी दी कि नहीं? आपके आने से पहले पार्टी डिस्कस हो रही थी, अवार्ड्स डिस्कस हो रहे थे और पता चला कि किसी को दो अवार्ड मिले हैं। नहीं पार्टी करने का हमको मौका ही नहीं मिला क्योंकि आज दिन भर इंटरव्यूज थे, कल स्क्रीनिंग थी और इंटरव्यूज थे, तो अभी सब होने के बाद गुल्लक जब 7 अप्रैल को रिलीज होगा उसके बाद पार्टी करेंगे मेरी तरफ से सबको। अरे वाह 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 वाह, तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं ना, अमन डबलिन में है, वो आएगा तब करेंगे, आएगा फिर आएगा तब। ओके अच्छा मैम आप बताइए क्या नया है इस बार के गुल्लक में? हमने सबसे तो कुछ कुछ पूछा लेकिन आप अभी दिखाई दी हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अरे क्या नया है आपके कैरेक्टर में? क्या जैसे हम उम्र में बड़े हो जाते हैं वैसे हम जिस तरह से रिस्पोंड करते हैं घटनाओं को या लोगों को वो बदलता है, वैसे मिश्रा परिवार के सदस्यों में भी वो बदलाव थोड़ा थोड़ा आया है, लेकिन जो मुझे लगता है दुनिया भर के मिडिल क्लास के साथ होता है कि उनमें क्या कहते हैं आपदाएं आती ही रहती हैं वो सॉल्व करते ही रहते हैं, तो वैसा ही है। और भी मिश्रा परिवार के जो दोस्त हैं रिश्तेदार हैं वो और आपको दिखेंगे, और एक उनका एक बड़ा जो सर्कल है वो दिखेगा, और बहुत बहुत नाजुक से क्षण है, बहुत सुंदर से क्षण है, वो सब आपको विटनेस करने को मिलेंगे, बिकॉज वी हैव ऑल
been through that, so मुझे विश्वास है कि सबको पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों के लुक में क्या क्या चेंजेस है ये मुझे जानना था, बिकॉज अगर मैं, आपने बोला कि थोड़ा उम्र भी बढ़ेगा, ये जो बदमाश लड़के को जॉब मिल जाएगी और गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस होगी, जहां तक पता नहीं अब फेक है कि रियल है। अरे अरे आप उस पे शक कैसे कर सकती हैं? गर्लफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड मेरी दिखेगी, बच्चों की थोड़ी अभी। नहीं तो जो आप लोगों का लुक है स्पेशली, उसमें क्या क्या चेंजेस है? कुछ ऐसे बाल सफेद भी दिखाई देंगे या वही यंग चेहरा रहेगा? पापा यंग होते जा रहे हैं हर सीजन में। अन्नू बूढ़ा होता जा रहा है, अमन मिश्रा एक अलग ही टेंजेंट पे जा चुके हैं, और मम्मी ब्यूटिक हुई। तो मम्मी कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में, अपने लुक के बारे में? वही सिंपल साड़ी या कुछ थोड़ा? हाँ, कहाँ टाइम है इन लोगों को, सब कर, उन लोगों का सब खाना वाना करते करते, इन लोगों को संभालते संभालते कहाँ लुक पे ध्यान देंगे। अब तो ये जॉब पे लड़का जाएगा तो उसके लिए टिफिन भी बनाना पड़ेगा। और काम बढ़ गया हमारा। ठीक है, पैसे मांगने मत आइएगा। अच्छा गांधी जी, आप बताइए गर्लफ्रेंड्स वाला जो ये एंगल है, और यहाँ पे सब तीनों जो ये मेल कैरेक्टर्स हैं बहुत एक्साइटेड है इस बात को लेकर, मतलब ये दोनों लड़के तो ठीक है मुझे लग रहा है कि एक जॉब करेगा एक कॉलेज जाएगा, लेकिन पापा भी एक्साइटेड है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड रहेगी। रियली किस तरह क्या से करें होगी? अब क्या बताएं आपको चेतना जी, कैसे संभाल रही हूँ इन मर्दों को इस घर में। मर्द तो मर्द ही रहेगा ना, और दूसरी दूसरा ये कि अब बच्चों की तो उम्र है भाई रोमांस करने की, तो क्या अगर मम्मी पापा का रोमांस का वक्त गया क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो अरे खुद ही देखिए मम्मी के सर ने कैसे बाजी पलट दी पूरी। मम्मी पापा, मम्मी को इंक्लूड कर लिया, थोड़ा सा पटा दिया। पहले कुछ और चल रहा था। नहीं नहीं, टिफिन बनाने के लिए दूसरी मम्मी भी आ सकती है ना। ओ अरे यार पापा, और पिक्चर जाने के लिए दूसरे पापा भी आ सकते हैं। अच्छा गुल्लक ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जमीन, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट अ नेटफ्लिक्स शो, दिस इज नॉट अ नेटफ्लिक्स शो, माय गॉड। अच्छा चलिए, अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, कुछ कहना, कुछ मैसेज, कुछ अपील होगी आप लोगों की तरफ से? सोनी लिव, 7 तारीख गुल्लक सीजन 3 देखे और बताए हमें कैसा लगा, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके उतना हमारे लिए, हम पूरी टीम ने, डायरेक्टर राइटर मेकर्स टीवीएफ एक्टर्स सब ने इतनी मेहनत की है, और इतना एक्साइटमेंट से लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि ये एक्साइटमेंट बना रहे और हम उनकी एक्साइटमेंट पे खड़े उतरे, और फिंगर्स क्रॉस्ड। सीजन थ्री तो देखे ही देखे, जिन्होंने सीजन 1 और 2 नहीं देखा है वो डेफिनेटली सीजन 1 और 2 देखें और फिर उसके बाद सीजन 3 देखें। बिल्कुल, मजा और आएगा। गीतांजलि जी, आप कुछ कहेंगे अपने फैंस को? मैं मुझे विश्वास है कि सीजन 3 सबको पसंद आएगा, हम सबको पसंद आया, हमने देखा है, हमने जब काम किया और हमने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी भी हमको लगा था, एक बहुत ज्यादा कनेक्ट लगा था, तो हमको ये विश्वास है कि ऑडियंस देखेगी और उनको अच्छा लगेगा। तो 7 अप्रैल को रिलीज होने वाला है, स्ट्रीमिंग होने वाला है शुरू, तो प्लीज देखिए। बिल्कुल हर्ष, मैं कहूंगा आप सबके कलेजों को अब ठंडक मिल गई होगी, जिन लोगों ने मेरे DM ईमेल में मुझे बहुत परेशान किया था, 7 अप्रैल को शो आ रहा है, सोनी लिव पे जरूर देखिए, और जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सीजन नहीं देखा वो भी देख लीजिए। बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, हमारा इसे क्लोज करना पड़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय।